बिलासपुर जिला मस्तूरी विकास खंड के ग्राम पंचायत नरगोड़ा के पंच और ग्रामीण मन सरपंच और पूर्व सचिव के ऊपर 14वां 15वां वित्त और मूलभूत राशि गबन करे जाए के शिकायत सीएम और पंचायत मंत्री के नाव कलेक्टर ले करे रहीस। जिला सरपंच इस सब्बो आरोप ला बेबुनियाद बताए रहीस। सोमवार के शिकायत के जांच के आधार में निर्माण कार्य के स्थल निरीक्षण पर जिला के जांच दल नरगोड़ा पहुंचीस। शिकायत के आधार में स्थल जांच और भौतिक सत्यापन करे जाए के बाद बहुत से कार्य मन में अनियमितता और खामी पाई गई। बता दें कि ग्रामीण मन के समक्ष जांच दल अधिकारी स्थल और आवश्यक दस्तावेज खंगाले के बाद जून 2021 ले अब तक के पंचायत रोकड़ बही खाता में 18,20,000 के दर्ज नहीं हुए हैं, जेमा ये राशि ला गबन पाई। लीज में दिए गए तालाब मन की राशि अब तक पंचायत खाता में लगभग 2 वर्ष ले जमा नहीं हुए है। उन्हें बिना पंचायत प्रस्ताव के सरपंच फूलबाई प्रजा खरे के द्वारा लगभग 60 हरा भरा पेड़ ला काटे जाए और राशि के दुरुपयोग करे जाए। तालाब लीज पंचायत के 2 वित्तीय वर्ष के राशि पंचायत में जमा नहीं कर उक्त राशि ला अपन व्यक्तिगत कार्य में खर्च करे जाए। ग्राम पंचायत के कर के पैसा पंचायत फंड में नहीं जमा होए। जगमाड़ो ले नहर पुल तक बिना कार्य करे सड़क मरम्मत कार्य पर 1,00,000 रुपया निकलवाए गए है। जांच अधिकारी मन बताई के नोटिस के बाद भी दोनों पूर्व सचिव राकेश डोंगरे और सेवक दास वैष्णव रोजगार सहायक सुभद्रा गोस्वामी अनुपस्थित पाए गई। कि पहले आया था साहब लोग जांच करने और आज भी आया है, उसमें और केस बुक भी नहीं भराया है, कई प्रकार का अवैध चेक भी काटा गया है, पेड़ भी काटा गया है। जैसा अभी इंजीनियर साहब निरीक्षण के लिए गए हैं, वो आते साथ ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी, अभी साहब लोग बताएंगे। 2,00,000 रुपया जो गमन किया है जो मरने के बाबत में, वो 2,00,000 रुपया गमन किया सर। उसके बाद कंक्रीटिंग हो गया, क्या कि वो पैसा गबन किया है, कंक्रीटिंग हुआ भी नहीं है। पैरा के जो पैसा है जो 40,000 रुपया है वो गबन किया है मनरेगा से, उसको पैसा को पैरा से कलवा के वहाँ थोड़ा सा पैरा गांजा है, उसके बाद कुछ नहीं किया सर। उसके बाद जो पानी का जो हैंडपम्प जो देते हैं कि या ट्यूबवेल देते हैं, वो अपने घर के पास ही खुलवाया है, और बाकी हम लोगों के पास कुड़वाने था वो नहीं कुड़वाया साहब बोला। जांच प्रक्रिया चल रही है, अब जांच के बाद जो भी आएगा सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने की राशि लगभग आपके नजर इसमें अंदाज में गबन जो की गई है लगभग टोटल सब मिला है? अब वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। किस किस मत में आपको डाउट खुला है कि इसमें हरण की गई है लेकिन काम नहीं हुआ है? अब वही पूरा जांच के बाद ही सामने आएगा, वही बता पाएंगे, क्योंकि अभी से कहना उचित नहीं होगा। ग्रामीण मन के समक्ष जांच दल है बनाए रिपोर्ट के अनुसार बताइस के पंचायत के पंच मन आपसी सहमति के बाद अनियमितता मनमानी के वजह ले ग्रामीण मन सरपंच के वित्तीय आधार छीने जाए और तत्काल बर्खास्त करे जाए के बात कही। ये मौका में उप सरपंच ओम प्रकाश सूर्यवंशी, परमेश्वर विश्वकर्मा सहित कई पंच और ग्रामीण मन उपस्थित रहें। मामला में मस्तूरी जनपद सीओ कुमार सिंह लहरे लंग जानकारी ले जाए में बताइस के जांच दल जिला ले आए रही। जिला रिपोर्ट सौंपे जाए के बाद उच्चाधिकारी मन के आदेश के बाद कार्रवाई करे जाही। सरपंच जी की जो शिकायत प्राप्त हुई है उसका अभिलेखों का परीक्षण कर लिया गया है। अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत जो है हमने सभी तकनीकी सहायक को निरीक्षण निरीक्षण के लिए अभी वर्तमान में भेजा गया है। निरीक्षण रिपोर्ट आने के बाद अभिलेख की स्थिति अनुसार जो है प्रतिवेदन तैयार करके सीओ जिला पंचायत को प्रस्तुत कर दी जाएगी। जो सचिव और दो 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 सचिव जो थे, जो अपना राकेश डोंगरे और क्या नाम उसका सेवक दास वैष्णव एवं रोजगार सहायक, क्या नाम उसका रोजगार सहायक अपना सुभद्रा गोस्वामी, वो दोनों तीनों उपस्थित नहीं हुए, इस कारण उसका बयान नहीं लिया गया। जो स्थल परीक्षण किया है उसमें कुछ जगहों पर तो उसने काम किया है लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है काम होना नहीं पाया है। अब ये जो है उनकी फाइल और उससे परीक्षण के बाद ही साबित हो पाएगा कि वहाँ पर जो काम उसने जो बताया वो 14वीं से ही है या और कोई मत से किया। ये अभी वर्तमान सरपंच की इसमें है कि पूर्व सरपंच का भी इसमें कार्यकाल में है? ये तो सब वो फाइल और उससे ही पता चलेगा, क्योंकि उनका जो भी आहरण और वो जिस डेट पे होगा ना उससे ही पता चलेगा। अनुमानित राशि कितना होगा?
अब ये भी निकाल के ही बताना पड़ेगा कि टोटल बहुत सारी राशि है 14वें वित्त का, 19-20 और 20-21 का है, दोनों का निकालना पड़ेगा। अब देखना ये होगी कि जिला में रिपोर्ट सौंपे जाए के बाद उच्च अधिकारी के द्वारा कब तक और काकर ऊपर कार्रवाई के गाज गिरत है, पूरा मामला में कौन दोषी होगी। सीपत ले डिजिटल रिपोर्टर हिमांशु गुप्ता की रिपोर्ट। रुका था छोटकुन ब्रेक ले पर देखा तरह न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।